राजधानी शिमला में शुक्रवार को नगर निगम का जनरल हाउस हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि निगम की कार्यवाही शुरू होते ही कृष्णा नगर के पार्षद बिट्टू पाना ने सुबह सवेरे कृष्णा नगर में पेश आए अग्निकांड का मामला सभी के समक्ष रखा। निगम की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट पार्षद, महापौर, निगम अधिकारी और कर्मचारी पर जमकर बरसे और कार्यवाही के बीच ही बेल में जाकर धरने पर बैठ गए। वहीं मामला इस पर भी शांत नहीं हुआ और शांति विहार वार्ड की पार्षद शारदा चौहान ने भी उनके वार्ड की सीमा पर बनाए गेट पर कमल का चिन्ह लगाने के मुद्दे पर भाजपा समर्थित नगर निगम को घेरा और बेल में आकर उन्हें चिन्ह हटाने की मांग वे दोहराने लगी। राजधानी शिमला में शुक्रवार को नगर निगम का जर्नल हाउस आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने की। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली, निगम के अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। हालांकि हाउस हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि निगम की कार्यवाही शुरू होते ही कृष्णा नगर के पार्षद बिट्टू पाना ने सुबह सवेरे कृष्णा नगर में पेश आए अग्निकांड का मामला सभी के समक्ष रखा। निगम की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट पार्षद, महापौर, निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों पर जमकर बरसे और कार्यवाही के बीच ही बेल में जाकर धरने पर बैठ गए। कान जल गया। एमसी की तरफ से कौन गया? कोई गया एमसी की तरफ से? एमसी की तरफ से आप गए ना डिप्टी में? कंसर्न ऑफिसर कौन गया? कृष्णा नगर के नालों की हालत इतनी खराब है, कृष्णा नगर में नाले की वजह से आज आग लग गई है। और इस सीएचओ को पूछो, इसको पूछो, इनको पूछो कि आज तक इन्होंने कभी राउंड किया? सफाई नहीं हो रही, बाकी तो क्या? आप एक चीज बताओ सुनो मैं नहीं बैठ पाई। आप एक चीज बताओ, पेन मॉल में सफाई कर्मचारी रखे जा रहे हैं, माल पे सफाई कर्मचारी रखे, वो खड़े होके नाले साफ करवाते थे, इनकी कोई ड्यूटी नहीं है? इनकी ड्यूटी माल पे घूमने की है, ये ड्यूटी है इनकी? ऑफिस में बैठने की ड्यूटी है? अरे यार इनको मैंने फोन किया, क्या कोई है पूछा इनको? कितनी बार इनको फोन करना, फोन नहीं उठाना, सुपरवाइजर को मीडिया से मुखातिब होते हुए बिट्टू पाना ने कहा कि कृष्णा नगर में सुबह सवेरे आगजनी का मामला पेश आया। गनीमत रही कि उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि कृष्णा नगर में स्थित नाले में लंबे समय से गंदगी का अंबार है और बार बार आग्रह करने के बावजूद भी नाले को साफ नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज एवं महापौर के कहने पर भी नाले को साफ नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप नाले में पड़े कूड़े ने आग पकड़ ली और ये हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा दो दिन के भीतर अगर नाले को साफ नहीं करवाया गया तो वे भूख हड़ताल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मेयर और अधिकारी इसलिए उठ गए, आज कृष्णा नगर में आग लगी। आग लगने का मेन कारण है वहाँ नाला है। मैंने कितनी बार इनको बोल दिया, सीएचओ को बोल दिया, कमिश्नर को बोल दिया, वहाँ पर नाला है, उस नाले की सफाई करा दो। और सफाई नहीं कराते इन्होंने अभी तक सफाई, इवन मंत्री जी ने बोल दिया। मंत्री जी एक फंक्शन में आए हुए थे हमारे रविदास कॉलोनी में, रविदास जयंती पर आए, उस दिन भी उन्होंने बोला, आज तक मंत्री की नहीं सुन रहे, मेयर ने उसी टाइम फोन कर दिया, मेयर की नहीं सुन, आज तक वो नाला साफ नहीं है। अब कारण क्या है? कारण ये है कि वहां नाले में प्रॉब्लम यह है कि जब नाला भरा हुआ है लोग वहां देखते हैं कि चलो नाला भरा है, वहां से अगर आज गार्बेज वाला नहीं आया तो वहां ही फेंक दिया, उन्होंने फेंक दिया। अब उस नाले में आज आग लगी, कारण क्या है? कारण नहीं मेरे को बताओ। और जिस घर में आग लगी उस घर में कोई था नहीं, आग लगी, बाहर आग लगी और उस ठीक नाले के साथ वो घर था और उसका घर जल के स्वाह हो गया, राख हो गई। तो मतलब ये है कि मैंने सीएचओ को फोन किया, सीएचओ एमसी की तरफ से कोई पार्ट, डिप्टी मेयर साहब हमारे आए, एसडीएम आए, तहसीलदार आए, पूरी प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन द पार्ट ऑफ एमसी कोई बनता नहीं है, सिवाय डिप्टी मेयर से वहां आए, इनकी कोई ड्यूटी नहीं है।
अरे यार वहाँ कारण इनको मैंने बता दी कि ये कारण है, इसकी वजह से वहाँ आग लगी है। मैंने इतनी बार बोल दिया, लिख के दे दिया मैंने इनको कि नाले सफाई करो, नाले सफाई कराओ, तो करवाते नहीं। मेयर की नहीं सुन रहे, डिप्टी मेयर नहीं बोल रहा, मंत्री जी की नहीं सुन रहे। अगला स्टेप मेरा ये है कि अगर मैंने इनको अल्टीमेटम दे दिया, अगर दो दिन के अंदर अंदर इन्होंने नालों की सफाई और उसका काम नहीं शुरू किया तो मैं हंगर स्ट्राइक पर। वही मामला इस पर भी शांत नहीं हुआ। पार्षद शारदा चौहान ने भी उनके वार्ड की सीमा पर बनाए गए गेट पर कमल का चिन्ह लगाने के मुद्दे पर भाजपा समर्थित नगर निगम को घेरा और बेल में जाकर चिन्ह को हटाने की मांग करने लगी। देखते ही देखते अन्य कांग्रेसी पार्षद भी उनके समर्थन में बेल में आ गए। इस दौरान जमकर बहस भी देखने को मिली। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पार्षद शारदा चौहान ने इस विषय पर विस्तृत जानकारी साझा की और चिन्ह न हटाने की सूरत में धरना देने की भी चेतावनी दी। मामला कुछ भी नहीं है, मेरा वार्ड है शांति बिहार, वार्ड नंबर 22। मैं शारदा चौहान वहाँ की स्थानीय पार्षद हूँ। वहाँ गेट लगाया गया है, चलो सीमा का पता लगता है कि सीमा कहाँ से कहाँ है, तभी हम लोगों को पता लगेगा कि इस वार्ड से वार्ड का ये है। लेकिन मेरे को ऑब्जेक्शन कोई नहीं है, जो गेट बना है बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, निगम प्रशासन ने बनाया, मेरा ही टेंडर लगा हुआ था, मेरा ही सब कुछ था। लेकिन मैं पूजा में बैठ गई पर उस टाइम उन्होंने झालर के बदले क्या लगा दिया जी, वहाँ कमल का फूल। मेरा कहने का मतलब है कि कमल का फूल चिन्ह नहीं लगाते, वो कांग्रेस का चिन्ह है, चाहे वो बीजेपी का चिन्ह है, चिन्ह को ही भी किसी को इजाजत नहीं है लेने की, लगाने की। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको एक दो दिन में हटाया जाए, नहीं तो मैं यंगर स्ट्राइक पर बैठ जाऊंगी और मैं बिल्कुल हाउस चलाने नहीं दूंगी। वहीं भाजपा पार्षद सुनील धर ने भी इस हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे चुनावी स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले दिन से ही अपनी भूमिका नहीं निभाई है। ये सदन ऑलमोस्ट टेन्योर पूरा होने वाला है, विपक्ष ने अपनी भूमिका पहले दिन से ही नहीं निभाई। आज भी इन्होंने भूमिका विपक्ष की निभाई है, अगर ये विपक्ष की भूमिका पहले निभाते हैं तो पोजीशन डिफरेंट होनी थी। इन्होंने विपक्ष की भूमिका आज ये सिर्फ वोटों की राजनीति के तहत इन्होंने काम किया है और कुछ नहीं था इसमें। वहीं इस अवसर पर नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि जनरल हाउस में 13 लाख की लागत से ढली में बनने वाले पार्क, टूटीकंडी में 2 एम्बुलेंस रोड, पंथाघाटी में बनने वाले सार्वजनिक शौचालय और गार्बेज कलेक्शन वाहनों के लिए चालकों के पदों को भरने पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही सदन में हुए हंगामे को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। इस अवसर पर उन्होंने कृष्णा नगर में नाले की सफाई को जल्द से जल्द करवाने का भी आश्वासन दिया। शांति विहार वार्ड में कमल के चिन्ह को हटाने के विषय पर महापौर ने कहा कि 70 साल बाद भाजपा ने शहर के सभी वार्डों में एक समान विकास किया है। उन्होंने कहा कि फूल कमल का है या कोई और, ये सोच पर निर्भर करता है। देखिए, नगर निगम 2022 का प्रथम हाउस था और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के एजेंडे थे जिसको हमने पास किया है। एक जो है ढली का था जिसमें दादी का एक पार्क बन रहा है 13 लाख की लागत से, वो हमने आज पास किया है। और छोटी गली में 2 रोड एम्बुलेंस रोड बनने थे 15-15 लाख के, 16-16 लाख के, वो हमने आज हाउस से पास किए हैं। और पंथाघाटी में जो बड़े दिनों से एक डिमांड थी टॉयलेट की, पंथाघाटी में एक टॉयलेट होना चाहिए, वो 13 लाख की लागत से हमने आज उसका एस्टिमेट पास किया है। और इसके बाद हमारा एक जो मेरा एक एम था कि हम एक जो है सभी लोगों के लिए बाजार में एक जो लैब खोले, वो लगभग हमारी लैब खुली हो चुकी है। और उसके जो रेट है वो हमने जो IGMC के जो रेट है वो हमने आज जो हाउस से पास किए कि वही रेट दिए जाएंगे जो IGMC में होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है 34 गाड़ियां जो आई है जैसे कूड़ा उठाने के लिए, उनको ड्राइवर रखने हैं, उनके लिए ड्राइवर के लिए भी हमने जो है स्वीकृति दिए है। देखिए, जैसे बड़े दुख की बात है, जैसे कि कृष्णनगर के नाले हैं वो मतलब साफ नहीं हो पा रहे, ऐसे नगर निगम के जो कर्मचारी है जो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ लेबर लगी हुई है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो नाला वो बहुत बड़ा नाला है तो उसका कोई सॉलिड जो है समाधान दिया जाएगा। हर वार्ड में जो है सफाई होनी चाहिए, कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसको साफ करने के लिए हमने आज CHO को आदेश दिए कि आप कल से जो है इस नाले को हर हालत में साफ करें। और मेरा तो मानना ही रहेगा, जैसे कि हमने पूरे वार्ड में सारे नाले कवर किए हैं, इसी पर नाले हैं उनको भी कवर किया जाए ताकि जो है गंदगी से बच। आप देखिए, जो गेट का मामला है ये मतलब जिस तरह का आज हाउस में उठा है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था,
अब देखिए जब भी कोई गेट बनाता है, जैसे मैं अभी टूटू भी गई, मंझाट भी गई, बहुत अच्छे पार्क बनाए उसने, बहुत अच्छी अच्छे डिजाइन लगाए हुए हैं, तो ये कन्फर्म नहीं है कि उसमें जो है कमल का फूल ही हो, क्योंकि ब्रास का फूल भी हो सकता है और दूसरा फूल भी हो सकता है। और मुझे आज बहुत दुख की बात इस बात की होगी, जो हमारी नेशनल सबसे बड़ी राष्ट्रीय जो हमारी पार्टी है और उसके उसका जो फूल है वो इस तरह की जो चर्चा में आए। देखिए आपको तो पता ही है कि जो अपोजिशन की होती है और कांग्रेस की जो पार्टी है, इनको पता ही है कि हम दोबारा रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि जो काम 70 साल में पहली बार हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने और हिमाचल की सरकार के और जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी हैं, जो काम उन्होंने किए हैं वो 70 साल में नहीं हो पाए, तो इसलिए नेचुरली इनको दर्द तो होगा। आपने देखा होगा कि 34 वार्डों में एक जैसे काम हुए। मुझे बहुत दुख की बात हुई कि आज भी इन्हीं के जो वार्ड के थे उन्हीं के ही टेंडर लगे हुए थे, टूटीकंडी के 2 टेंडर थे। तो अगर हम चाहते, अगर हम पार्टी पे जाते तो हाउस एडजर्न करने के बाद हम वापस आ जाते, लेकिन नहीं, हम किसी भी पार्टी पे नहीं जाते हैं। और एम्बुलेंस रोड बनने चाहिए और वो बनेंगे, चाहे वो कांग्रेस का रास्ता हो चाहे बीजेपी का रास्ता हो, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो विकास की तरफ जाते हैं कि विकास करो, पार्टी पे नहीं जाओ। जो आज आप देख रहे हैं शहर, जो रेडीमेड कहीं से कोई झालर आया हो वो किस तरह का फूल है। मैं जैसे आपको मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि कमल का ही फूल हो है? या वो फिर गुलाब का फूल भी हो सकता है, ब्रास का फूल भी हो सकता है, कोई बिना देखे इस तरह से बोलना कि ये तो कमल का फूल है। और उन्होंने आज हमारे फूल की जो बेइज्जती करी है, ये बहुत गलत बात है। ये हमारा राष्ट्रीय फूल है और ये हर बार चमकेगा और हर जगह चमकेगा।